हेलो एवरीवन। बेटा हमने चैप्टर किया था लास्ट से लास्ट लेक्चर में स्टार्ट, इंडियन इको बिटवीन 1950 टू 1990। दो या तीन लेक्चर्स हुए हैं। लास्ट मैंने रिकॉर्डेड भेजा था, जिसने किया अच्छी बात है, नहीं किया और अच्छी बात है। नंबर आपके आने, मेरे नहीं आने, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है चैप्टर का, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा। और एक दो दिन में अभी टेस्ट चेक करके देता हूँ आपको, फिर देखता हूँ कौन कितना सही से पढ़ रहा है और सही से नहीं पढ़ रहा। रेगुलर की हालत तो अभी दिख रही है कि आधा बैच आज के दिन भी गैप है, रेगुलर समझाने के बावजूद। और क्या ही तो होगा, बस भगवान जाने कहाँ पे जा रही है हमारी यूथ, भगवान ही जाने। बस इंडियन इको बिटवीन 1950 टू 1990। बेटा मैंने यहाँ पे आप कुछ बातें बताई, हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो सबसे पहले हमें दो नुकसान हुए। क्या नुकसान हुआ? एक हमारा एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान। तो किसका नुकसान हो गया? रिसोर्सेस का। तुम्हारे से अगर मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं, तुम्हारे पे अगर 200 गज जमीन है, मैं कह दूं कि लाओ 20 गज ही दे दे, तो यहाँ दंगे हो जाएंगे कि कैसे मांग ली। यहाँ पे इतना बड़ा एरिया हमने पाकिस्तान को दे दिया, उस एरिया में कितनी रिसोर्सेज वहाँ पे चलेगी? वो एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा, मतलब वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, फर्टिलिटी वहाँ की बहुत अच्छी थी सोयल की। आज के दिन भी जो एग्रीकल्चर का काम वहाँ पे पाकिस्तान में होता है ना, जो चीज़ें वहाँ क्रॉप्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो सकती। वो बहुत अच्छा था कल्टीवेशन के लिए। और दूसरा आपको पता है, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था, किसका भी काफ़ी खून खराबा भी हुआ था, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। मैंने आपको बताया लगभग 10 लाख या पता नहीं 1 करोड़ लोगों की उस समय क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी पार्टीशन में, जब लोग इधर से उधर मूव कर रहे थे। लेकिन जो हो गया सो हो गया, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे लीडर्स के सामने दूसरे प्रॉब्लम क्या थे? हमें प्लान बनाने थे किस चीज़ के लिए, अपने कंट्री के बेटरमेंट के लिए। तो उस समय लीडर्स के सामने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो क्या था? एक तो जो पार्टीशन का नुकसान हुआ है, हमारा एक नेशन सेपरेट हुआ, और एक किसके प्लान बनाने थे? बेटरमेंट। पूरा चैप्टर चलेगा किस पे? पूरा चैप्टर चलेगा बेटरमेंट के लिए, प्लान बनाने के लिए। चलो भैया बनाते हैं। तो उसके लिए व्हाट टू, हाउ टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये तीन इकोनॉमी में डिसाइड करना था, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, कि भाई कैपिटलिस्ट बने, सोशलिस्ट बने या मिक्स बने। कैपिटलिस्ट में सारा कंट्रोल किसके पास था? कैपिटलिस्ट में सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव किस पे था? प्रॉफिट मोटिव किस पे फोकस था? ही ना, सोशल वेलफेयर। कौन सी चीज बनेगी, कैसे बनेगी, किसके लिए बनेगी, ये कैसे डिसाइड होगा? कीवर्ड बाय मार्केट फोर्सेस। जिस पे पैसा है उसके लिए गुड्स बना लो, जिस पे पैसा नहीं है उसके लिए गुड्स ना बनाओ। और ऐसे सोसाइटी में गरीबी होना क्या ही था, नॉर्मल था। ये सोसाइटी किसको अच्छी नहीं लगी? नेहरू जी को अच्छी नहीं लगी। तो नेहरू जी ने कहा दूसरी सोसाइटी पे चलते हैं, जो कौन सी आई? सोशलिस्ट। जिसमें हमने क्या कहा, यहाँ पे सारा फोकस ही किस पे चला गया? सोशल वेलफेयर। सब किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के। नेहरू जी को ये भी फेवर में नहीं थे, क्यों? क्योंकि इसमें चेंज ऑफ ओनरशिप पैटर्न होता, जो कि पॉसिबल नहीं था। भाई इंडिया में डेमोक्रेसी थी, तो हम ये नहीं कर सकते थे कि हम चीजें प्राइवेट सेक्टर से लेके किसमें दे देते, गवर्नमेंट, जो पॉसिबल नहीं था। तो फिर सबसे अच्छा क्या रहा इंडिया के लिए? मिक्स, जो दोनों कॉम्बिनेशन था, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। फिर प्लानिंग कमीशन क्यों बनी थी, कब बनी थी? मार्च 1950 में। पहला प्लान कब बनाया? अप्रैल फुल, 1 अप्रैल 1991 में। प्लानिंग कमीशन का नाम क्या चेंज कर दिया बाद में? नीति आयोग। और ये मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए कहा था। और बैच में हमारे 20% ही बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि आए नहीं, जो आए उसमें से 20 ही ऐसे हैं जो देख के आए होंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जब नंबर आएंगे ना बोर्ड्स के, तो उन्हीं 20% के नंबर देख लेना और बाकियों के नंबर देख लेना, कि किसके 90+ आ रहे हैं, किसके बिलो 90 आ रहे हैं। यही बस फर्क होता है डिसिप्लिन का, और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो। फिलहाल 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या थे, एक एक लाइन में रिवाइज कराता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो चीजें रिवाइज ही करा रहा हूँ, फिर नया कंसेप्ट स्टार्ट कराना। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। क्या क्या है भैया? मतलब ग्रोथ का मतलब है सिंपल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रोडक्शन की ग्रोथ होना। और सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या हो सकता है इसका? सबसे अच्छा इंडिकेटर है GDP। ये हमारा तब भी ऑब्जेक्टिव था, और ये तो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि क्या बढ़ना चाहिए? GDP। काम खत्म। मॉडर्नाइजेशन, इसकी जरूरत तो पता नहीं कितनी है, क्या ही तो बोलूँ ना इस पॉइंट के ऊपर। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है, एक तो होता है नई टेक्नोलॉजी। इंडिया हमेशा इसीलिए हारा क्योंकि हमने कभी भी नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडेप्ट नहीं करा।
जैसे ब्रिटिशर्स हमारे पे क्यों रूल कर गए, हमारे राजा महाराजा थे वो सब सही थे, वो क्यों हारे, उनके पास ब्रिटिशर्स के पास क्या था, नई टेक्नोलॉजी थी, बंदूक थी उनके पास, हमारे पास क्या नहीं थी, बंदूक नहीं थी, हमारे पास तलवार थी, हम जब तक पास नहीं जाएंगे तो मार नहीं सकते, वो 100 मीटर या 500 मीटर दूर से ही गोली चलाएंगे और आपको क्या कर देंगे, मार देंगे, ये रीजन था। सिंपल मॉडर्नाइजेशन को फॉलो नहीं करोगे लाइफ में तो आप क्या नहीं कर सकते सर्वाइव, तो क्लियरली लिखा है नई टेक्नोलॉजी को टाइम पे क्या कर लेना, एडॉप्ट कर लेना, और मेन पॉइंट चेंज इन सोशल आउटलुक, भाई अपनी थिंकिंग चेंज कर लो, जो मुझे लगता है कि शायद ना ही ज़्यादा बोलूँ तो भी सही है ना, कि हर एक को पता नहीं वो नैरो जो थिंकिंग है, नैरो बैकग्राउंड है, उसे ब्रॉडर कैसे बना सकते हैं, शायद मैं बना ही नहीं सकता, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा, एक लाइन लिखी है, चेंज इन सोशल आउटलुक थिंकिंग चेंज कर लो, दिस इज मॉडर्नाइजेशन, और ये बात 1950 में कह रहे थे, और शायद मुझे लगता है ये आज भी उतनी जरूरी है जितनी तब थी। मेट्रो सिटी वाले ज्यादा ही कर गए और अर्बन और रूरल एरिया वाले शायद अब भी रह गए। और भैया कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या, अक्षय कुमार की मूवी सारी चेंज इन सोशल आउटलुक पे होती है, मैं कल परसों ही देख रहा था एक, जिसे एक मूवी का नाम था रक्षाबंधन, एक मूवी आई है G5 पे जो कि इसके ऊपर है, रक्षाबंधन के ऊपर है नहीं बेटा बस, है ना, मूवी का नाम ही रक्षाबंधन है, दहेज के ऊपर मूवी है वो, कि है ना इंडिया में कैसे जो हमने रिचुअल्स बना रखे हैं, और एक अवध ओझा सर है उनकी मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने भी एक उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बोला गया, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं वो, कह रहे जब भी अगर कोई किसी के यहाँ शादी करने जा रहा है और दहेज मांग रहा है तो अपने भी और अपने घर वालों के सर पे ना एक टैग लगा के जाओ भीख मांगे, है ना, जब ये टैग लगा लोगे भीख मांगे तब तो मांगा करो। तो बेटा बहुत चीज़ें हैं, इसकी ज़्यादा ऊपर मैं बोलूँगा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, आउटलुक चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, मैन और वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आज के दिन भी गांव में ये होता है, अगर किसी एक बच्चे को पढ़ाना है तो 101% वो किसी पढ़ाएंगे, लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, और नहीं है पक्का आफ्टर 12th सबको अलाउ कर देंगे अगर उन्हें बाहर जाना है पढ़ने, हैं कर देंगे, तो बाहर जहाँ पढ़ने हैं जिसने सबको अलाउ कर सकते हैं, जहाँ भी पढ़ने हैं। हाँ बेटा अब की जनरेशन की बात करता हूँ मैं, पहली जनरेशन गांव में हर एक फैमिली अलाउ कर दी है, तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी की, आप एक सिंगल बंदा सोसाइटी नहीं बनाता ना, सोसाइटी कौन कैसे बनती है, मैं फिर गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में आप अकेले नहीं हो, गांव में काफी सारे लोग हैं, और गांव की छोड़ो बेटा मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ भी मेरे पास भी कितने गर्ल्स के पेरेंट्स आते हैं, या गर्ल्स कितने बार डिस्कस करती है भैया हम बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फैमिली ने क्लियरली मना करा हुआ है, पढ़ना है तो यहीं से पढ़ लो, बाहर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, दिस इज नीडेड टू बी चेंज, चेंज इन सोशल आउटलुक। और बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने 1950 में बनाए थे गोल, और 2022 में भी मैं फॉलो करवाने की इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुधर जाओ इसे फॉलो कर लो। नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ रिलायंस, मोदी जी तो इस पर बहुत अच्छा बोल गए थे आजकल में, जब कोविड आया तो बेटा आत्मनिर्भर बनना है हमें, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना, बेटा हम 1950 और 1960 में भी फूड ग्रेन्स कहाँ से इंपोर्ट करते रहे हैं, यूएसए से, हम तब भी क्या नहीं थे सेल्फ रिलायंस, और जब आप सेल्फ रिलायंस नहीं होते ना तो दूसरी कंट्री का आप पे इन्फ्लुएंस होता है, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी कंट्री पे किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो, आप यूएसए पे डिपेंडेंट हो फूड ग्रेन्स के लिए, और कल को कहीं लड़ाई होगी, अब जैसे रशिया और यूके यूएस रशिया और यूक्रेन की हुई थी, लेकिन पीछे तो यूएसए ही था बेटा, ऑलमोस्ट सब खत्म ही, अब तो खाली मजाक ही चल रहा है, अभी जो मेन तो मुद्दा निपट चुका है, अब इंडिया ने क्लियरली रशिया का स्टैंड ले लिया क्योंकि हम यूएसए पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, अगर हम उस पर डिपेंडेंट होते ना हम चाके भी रशिया के फेवर में बोल नहीं सकते थे, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो ना, अगर आपने किसी से पैसा ले रखा है तो उसके अगेंस्ट बोल दोगे क्या,
उसके अगेंस्ट जाके बोल नहीं सकते। और लास्ट तो बहुत ही अच्छा है, वो कहता है ये सारे शुरू के तीन किसी काम के नहीं है अगर ग्रोथ का बेनिफिट सबको ना मिले। अगर जो आपने ग्रोथ करी उसका बेनिफिट पूरे सेक्शन तक नहीं जा रहा, इसका मतलब आपने ये सारी चीजें क्या करी हैं, ये सारे गोल्स अचीव करने का बेनिफिट नहीं है। अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो कह रहे हैं इक्वेलिटी नहीं है आपके यहाँ और ये रियलिटी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दो टाइम खाने के पैसे नहीं है और कितनों के पास कितना ही पैसा है, वो क्या ही कहें। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भेजे होंगे, और मैंने सारी चीज़ें रिवाइज इसलिए कराई, पता नहीं किसने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा या नहीं देखा, तो मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया। इम्पैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, जो प्लान्स बनाए जितना कर पाए आज, ये अलग अलग इम्पैक्ट देखने ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे और एग्रीकल्चर पे। इससे पिछले चैप्टर में एग्रीकल्चर की हालत देखी थी, कोई बच्चा मुझे पांच वो इम्पैक्ट बताना चाहेगा एग्रीकल्चर के हेडिंग्स के? कौन कौन बताना चाहेगा जो हमने पिछले चैप्टर में देखे हैं? एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट आया था जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया? पांच हेडिंग्स लिखवा रखे थे मैंने वहां पे आपको कि क्या हालत थी हमारी एग्रीकल्चर की। बताओ बेटा यार, जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अच्छा, और बेटा लिखे ही कैसे, हमें पांच हेडिंग्स लिखनी है ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना वॉइस में। और कौन कह रहा था बताने को, बताओ। एक तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, लैंड सेटलमेंट और एक रेवेन्यू सेटलमेंट, दो अलग अलग पॉइंट है उसके। कमर्शलाइजेशन था, हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकंड वाला था लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आखिरी तीन छोड़ो, शुरू के तीन, शुरू के दो, हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ से जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। इन शॉर्ट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ख़राब हालत में था। जिसे हम स्टार्ट करेंगे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारे एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब है, और जिसमें हालत ख़राब होने का मेन रीज़न क्या था? लैंड सेटलमेंट। कौन सा सिस्टम था उस समय हमारे यहाँ? जमींदारी सिस्टम। जैसे ही हम इंडिया में, जैसे ही हमारी करंट गवर्नमेंट आएगी, उन्हें जैसे पता चलेगा कि भाई ये जमींदारी सिस्टम तो बहुत ही खराब है, तो सबसे पहले स्टेप ही क्या करेंगे हम? अबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसलिए पिछला चैप्टर पढ़ना जरूरी है। कह रहे हैं आपने अभी तक बहुत रूल कर लिया और फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया, तब तो आप ऐसा करो, सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को क्या कर दो? अबोलिश कर दो। क्या बात क्लियर है? दिस इज फर्स्ट पॉइंट, अबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम। कह रहे चलो कर दिया जमींदारी सिस्टम खत्म। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा, हम मॉडर्नाइजेशन को अडोप्ट नहीं करते थे, तो सेकंड पॉइंट इसमें यही आएगा कि हम किस पे ध्यान करेंगे? मॉडर्नाइजेशन पे। और मॉडर्नाइजेशन के लिए एक नया रेवोल्यूशन आएगा जो हर एक बच्चे को याद रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन। हम एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम किस नाम से जानते हैं? HYV सीड्स। ये एक ऐसी सीड्स थी जिससे वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। भैया कैसे इंक्रीज हो गया था? सिंपल, ये समझिए एक नई टेक्नोलॉजी थी। इस नई टेक्नोलॉजी से इतना इम्पैक्ट आया, पहले हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, बाहर से खरीदते थे, और इस टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद हमारे पे इतने एक्सेस प्रोडक्शन होगी वीट और राइस की कि आज के दिन इंडिया में उसका क्या है? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, इतनी बिके ना, तो आप उसे अपने गोडाउन में स्टोर करके रख लेते हो, और आज के दिन मोर देन रिक्वायर्ड बफर स्टॉक है इंडिया में। कोविड के समय जब बाकी सब कंट्री को एक समय पे ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ व्हीट और राइस खत्म हो सकता है, इंडिया बड़े आराम से रिलैक्स बैठा था, क्योंकि हमारे यहाँ बफर स्टॉक इतना ज्यादा है व्हीट और राइस का कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन वो इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट पे मैनेज ही नहीं होता। जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर से इसे लेके रख तो लेती है, उनके गोडाउन में ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं है। हर साल ये न्यूज आती है कि ये देखो ये ऐसे कितनी लाख क्वांटल वीट खराब होगी। क्यों? क्योंकि उसे ओपन में रखा हुआ है। ओपन में रखने से जब बारिश हुई तो बारिश में कितनी खराब होगी, दूसरी बात कितने जानवर वहां पे आ जाते हैं,
कोई ऐसी इतनी सिक्योरिटी नहीं है इतनी अच्छी, तो कितनी जो वीट है वो जानवरों ने खराब कर दी। और ये वीडियोस आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत दिख जाएगी कि हमारी बफर स्टॉक की हालत कितनी खराब है। लेकिन अभी हम वहां नहीं जा रहे ना लिखेंगे, हम तो बोल रहे हैं कि हमने उसी समय 1960 और 70s में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए जिसका नाम क्या रखा, ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी एक मिनट, जितना पढ़ाया उतना समझो। कह रहे जो कॉलोनियल रूल ने एडवर्स पॉलिसी बनाई थी, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी डाउनफॉल हो गया था, तो हमें उसके डेवलपमेंट के लिए चीजों को इम्प्रूव करना था, तो तीन रिफॉर्म्स लेके आए। कौन कौन से, मैंने अभी पहले और दूसरे के बारे में बोला, इवन आज दूसरा कंप्लीट भी नहीं होगा, कल ही होगा, लेकिन थोड़ा सा जितना कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स में तो पहले ही बता दिया, लैंड रिफॉर्म में क्या है, ब्रिटिशर्स कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, जमींदारी सिस्टम। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने उस जमींदारी सिस्टम को क्या करा, अबोलिश किया। तो देखो कह रहे कॉलोनियल रूल में ये तीन मेजर सिस्टम थे, आपको पता है, जमींदारी सिस्टम को दोबारा लिख दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लीडर्स क्यों कंसर्न थे कि हमारी प्रोडक्टिविटी, ये लाइन अभी रिवाइज कराई थी पिछले चैप्टर से, हम कहते हैं ज्यादा कंटेंट है कुछ नहीं, लिंकेज की बात है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब इतनी प्रोडक्टिविटी खराब थी, आप एक बार विजुलाइज तो करो, ऐसा इंडिया में तुम 80% लोग लगे हुए हो खेती बाड़ी में, तुम्हारे पे इतनी फूड ग्रेन्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रही कि तुम्हें फूड ग्रेन्स क्या करनी पड़ रही है, इम्पोर्ट पे कर क्या रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसी कारण हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें हमने क्या करा, ये सारा कंसेप्ट वही है कि हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, जिसके लिए क्या लिखा गया, अबोलिशमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब जमींदार, जो टीलर्स थे, टीलर्स का मतलब क्या होता है, जिनको रेंट पे दे रखी थी वो जमीन, वो उसके क्या बन गए, एक्चुअल ओनर। जब हम ऐसा करेंगे तो हम किस साइड मूव कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस। हम रिफॉर्म्स इसीलिए लाए कि हमें बाहर से कोई चीज भी इम्पोर्ट ना करनी पड़े, और फार्मर्स को हमने इतना कैपिटल देने की कोशिश करी, जो आगे मैं बताऊंगा कि पैसे कैसे देंगे, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाए। एक और बात, ग्रीन रेवोल्यूशन आज नहीं रीड करा पाऊंगा, आज इतना ही कर लें जो ये ऊपर है, जल्दी से बस इसे खत्म कर लें। सरकार करती बहुत कुछ है लेकिन हो कुछ नहीं पाता, ये इसकी एक रियलिटी है। लैंड सीलिंग का मतलब क्या, सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग रूफ छत को कहते हैं, लैंड सीलिंग छत की सीलिंग, छत की कोई लैंड की सीलिंग, भैया कुछ समझ नहीं आया। लैंड सीलिंग का सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट लगा दी कि एक बंदा इससे ज्यादा अपने पास जमीन, भैया इसका पर्पस क्या है, सिंपल, जिससे कि जमीन सबको मिल जाए। अच्छा लगा बहुत, क्यों, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होनी चाहिए। बेटा अभी हम वहां आ तो जाए, अभी तो हम शुरू के दो पॉइंट पे ही हैं बेटा, मैं वो भी समझा दूंगा, मैं तो पहले ये बता रहा हूँ बेटा, बात ना हो। लैंड सीलिंग का मतलब था, हमने मैक्सिमम साइज बता दिया कि एक इंडिविजुअल, बात ना हो, एक इंडिविजुअल फैमिली कितना लैंड अपने नेम पे करा सकती है। इसका बेसिक पर्पस क्या था, लैंड की ओनरशिप फ्यू हैंड्स में नहीं होनी चाहिए, लैंड की ओनरशिप सबके पास होनी चाहिए, ये हमारा पर्पस था। लेकिन मेरा भारत महान, अब मेरा भारत महान कैसे बना ली पॉलिसी, अब देखो इसकी धजिया कैसे उड़ाएंगे। हाँ चाचा विधायक है, वही करेंगे, चाचा विधायक है। अब चाचा विधायक कैसे करेंगे बेटा, बात को ध्यान से सुनना, पहले तो उन्होंने ये कहा था ना कि हम टेनेंट को क्या बना देंगे, ओनर। तो उन्होंने क्या करा, जो जमींदार थे, जमींदार खुद ही ओनर बन गए, टेनेंट को क्या ही नहीं बनने दिया, ओनर। बेटा मैनिपुलेशन हो जाता है, बताऊंगा कैसे मैनिपुलेशन। और आज के दिन भी अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली पुलिस की और हमारे यहाँ जो जजिस की हालत है ना, कल ही मेरी किसी एडवोकेट से बात हो रही थी, बताऊंगा कल इस पे तो पूरी कहानी, अगर वो सुना दी ना बेटा, मैं आज के दिन भी कहूंगा कोई भी पॉलिसी बना लो, जब तक भारत में इतना करप्शन है ना, कोई पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन पहले भी क्या किया हमने, मैनिपुलेशन। क्या मैनिपुलेशन करा, जमींदार खुद ओनर बन गए, टेनेंट को वहां से भगा दिया, भाई चलो कोई नहीं है यहाँ पे, हम ही हैं यहाँ के मालिक। दूसरी बात बेटा, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी पावर का मिस यूज करके इस चीज को जल्दी से इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। और दूसरी बात, इम्प्लीमेंट हो गया तो क्या हुआ,
मेरे पास जो जमीन है मैं उसको किसके नाम ट्रांसफर कर दूंगा, अपने अलग अलग रिलेटिव्स के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि एक बंदे पे 10 बीघे जमीन हो सकती है, मेरे पे 100 बीघे जमीन थी, तो मैं वही जमीन कितने नाम रजिस्टर्ड करा दूंगा, 10 अलग अलग नाम रजिस्टर्ड करा दूंगा, अपने नाम, अपने पेरेंट्स के नाम, अपने स्पोस के नाम, अपने बच्चों के नाम, वो सारी जो जमीन है वो अलग अलग नाम क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड कर लो बात। और दूसरी बात ये भी ना करे तो चाचा विधायक है हमारे, क्लियरली लिखा है इन्होंने, कह रहे खाली केरल और वेस्ट बंगाल ही ऐसे थे जिन्होंने इसे सही से इम्प्लीमेंट किया, अपना स्ट्रिक्ट एटीट्यूड शो करा, अदरवाइज ऐसी कोई कमिटमेंट भी हमें किसी और स्टेट से दिखी नहीं। क्योंकि बेटा सारे के सारे लोग जो विधायक हैं वो सभी तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके अगेंस्ट कौन एक्शन लेगा बेटा, वो खुद ही से क्या नहीं होना चाहते थे इम्प्लीमेंट। इसे रीड आउट करके आना जिसके नोट्स बने हुए, अच्छी बात, वरना हैंड रिटन नोट से बना लेना कल सेम टाइम।